हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज मेरा ये वीडियो बनाने का मेन कारण ये है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, आपको अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप, कई लोगों का कहना है कि जब वो घर के अंदर होते हैं तो वो मॉइस्चराइज़र अपने कुछ भी नहीं लगाते फेस में, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर उनको निकलते हैं तो धूल मिट्टी से आपका चेहरा ख़राब हो जाता है, घर के अंदर तो कुछ भी नहीं होता। तो मैं ये बोलूँगी कि ये बिल्कुल गलत है। आपको चाहे वो कहीं भी हो अपने फेस में मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप मॉइस्चराइज़र बिल्कुल नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी और साथ में ही कई बार दाग धब्बे पड़ जाते हैं और इसके अलावा जो है स्किन में रिंकल्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एक मॉइस्चराइज़र है जो कि लास्ट 15 इयर्स से मैं उसको यूज़ कर, जब भी मैं घर में होती हूँ तो मॉर्निंग में फेस वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं उस मॉइस्चराइज़र को लगाती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इसको लगाते के साथ ही आपको लगेगा कि आपकी जो स्किन है, ड्राई स्किन, वो बिल्कुल स्मूथ हो गई है उसमें, और साथ में ही वो ग्लो भी करती है। केमिकल फ्री है, दूसरे एनिमल टेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। ये एक आयुर्वेदिक मॉइस्चराइज़र है। इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, वो है 199 रुपीज़। और इसके अलावा जब भी अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको लोग बोलेंगे कि ये वाला मॉइस्चराइज़र ले लो, ये ले लो, कई तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो उतने ही हार्मफुल भी होते हैं। और क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, कुछ टाइम के लिए वो आपकी स्किन को तो बहुत अच्छा दिखा देगा, लेकिन इसका जो असर है वो थोड़े टाइम के बाद नज़र आ जाएगा। तो जो ये मॉइस्चराइज़र है, ये वाला मैं आपको सीरियसली रिकमेंड कर रही हूँ। इसको लगाने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो थैंक यू सो मच, और मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको।